हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, आज मैं आपके लिए आलू का रायता लेकर आई हूँ। गर्मी में रायता बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बहुत मजा आता है और फायदा बहुत देता है। दही से कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके का रायता बनाए, आप लौकी का बनाए, बूंदी का बनाए या आलू का बनाए, खाली लस्सी पिए, तो दही हर तरीके से फायदा देता है गर्मी में। और इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 200 ग्राम मैंने दही लिया है और ये 2 आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, ये लिए हैं मैंने। ज्यादा आलू इसमें नहीं डलते और इसमें मिर्ची भी ज्यादा नहीं डलती। आधी चम्मच मैंने मिर्ची ली है और आधी चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच मैंने जीरा लिया है जिसमें मैं तड़का दूंगी। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगी, ये मैंने चटनी बनाई थी, ये आम की और पुदीने की हरा धनिया की चटनी है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी होती है। चटनी को मैंने सिल से पीसा है, मिक्सी से नहीं पीसा। इस चटनी को मैं 1 चम्मच ऐड करूंगी इसके अंदर, रायते के अंदर। बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा फिर। और इस चटनी का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी। मैं आपको फुल वीडियो मैंने डाल रखी है, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरह बनता है। इसमें मिर्ची ज्यादा नहीं डलती, रायते में मिर्ची बहुत कम डलती है। दही अगर आप इससे भी कम खाते हैं, मिर्ची तो इससे भी कम ले सकते हैं आप। मिर्ची ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया। रायते को आप किसी भी चीज से खा सकते हैं। देखिए, ये चटनी में इसमें ऐड करूंगी, बहुत ही मजेदार होके बनेगा ये। कच्चा आम इसके अंदर मिक्स है। अगर आप बूंदी का रायता बनाएंगे तो आपको इतनी मिर्ची नहीं डालनी पड़ेगी। आलू की वजह से मैंने इसमें मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाली है और बूंदी में बहुत कम मिर्ची डालती है। अगर आप बिल्कुल मिर्ची खाना पसंद नहीं करते तो आप काली मिर्च पीस कर ऐड कर सकते हैं, उसका भी रायता बहुत टेस्टी बनता है। वो आलू को हमें फोड़ना है, आपकी मर्जी है, आप मोटे रखना चाहते हैं या बारीक। मैं ज्यादा मोटे नहीं रखूंगी। लौकी का भी रायता बनता है, आलू का रायता भी बहुत ही मजेदार होता है। आप इसे इसको चावल से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। और गर्मी में तो ये सब चीजें बहुत ही मजेदार लगती हैं, रायता वगैरह। इसका हो रहा था, ये 2 आलू इतने हो गए, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आपकी मर्जी को बात है कि आप इसको कितना पतला रखना चाहते हैं। तो तेल ज्यादा नहीं डलेगा, बहुत कम तेल डलता है, क्योंकि अगर इन चीजों में तेल ज्यादा खाएंगे हम तो हमें नुकसान ही देगा। इसमें आपको तड़का लगाकर दिखाती हूँ। ये मैंने खाने वाले सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच तेल लिया है, ज्यादा ऑयल नहीं डाला मैंने इसमें। रायते के अंदर ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। देखिए, जीरा हो गया, थोड़ी सी मैं हींग इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, कितनी बेहतरीन शक्ल रहती है। बहुत ही टेस्टी रायता बनके तैयार है, 10 मिनट में आप बना के खा सकते हैं। इतना कम तेल डाला था मैंने, अभी भी देख सकते हैं आप कितना है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ये ऐसे ही लगा दूँ। देखिए, मैं आपको आलू का रायता बना के दिखा रही थी। बहुत जल्दी से बहुत मजे का तैयार होता है ये। जितना टाइम लगेगा आपको, आलू बॉइल करने में लगेगा, एकदम तैयार कर सकते हैं आप। दही को फेंटिए, उसको उसमें नमक मिर्च मिलाइए, अगर आपके पास चटनी है तो चटनी मिला दीजिए, उससे जायका उसका एकदम अलग हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। देखिए, ये पतला भी नहीं रहता ज्यादा, गाढ़ा है काफी, देख सकते हैं आप। बहुत ही मजेदार होके बनता है, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और गर्मी में इस तरीके से रायता बना के तो ज्यादा लोग खाते ही है। इसको चावल से, रोटी से, पराठे से, किसी भी चीज से खा सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मी की रेसिपी है ये एक तरीके से। रायता बनाना गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं रायते को, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।